आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक छोटी सिलाई मशीन का नीडल बार बार टूट जाता है, उसे कैसे ठीक करें। जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी सिलाई मशीन है, इसकी बार बार नीडल टूट जाता है। तो चलिए बिना टाइम पास किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज वर्मा, आप देख रहे हैं सूरज सिंह मशीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक छोटी सिलाई मशीन है, जिसे मैं देख सकते हैं इसका हमेशा नीडल टूट जाता है, सुइया इसमें बार बार टूट जाता है। तो उसे कैसे ठीक करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को पास एक सिलाई मशीन का जो चापा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चापा के एकदम नीचे बीच में नीडल जाना चाहिए, यही सेट के जाता है या राइट या लेफ्ट हो जाता है, तो इसी में नीडल आपका टूट जाता है। तो उसे कैसे ठीक करें, तो यहाँ पर से आप लोग को फेस प्लेट को ओपन कर लेना है और उसका चापा को यहाँ पर से आप लोग मिला सकते हैं। एक छोटी सी पेच है, इसे हल्का सा ढीला करके इसे आप लोग मिला सकते हैं, इधर भी इसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो बीच बीच में या चांद प्लेट में सट रहा है, जिसे मैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी में सट के जा रहा है। तो आप लोग रॉड पर हथौड़ी से इसे हल्का सा जिसे में देख लेना है कि किधर सिलाई मशीन का जो सुई रहता है किधर भाग रहा है, बीच में ही जाना चाहिए। बीच बीच में जाएगा दोस्तों तब ना का सुइया टूटेगा, ना ही धागा टूटेगा, ना ही धागा काटेगा। यही सट के जाता है तो सुइया भी तोड़ सकता है, धागा भी काट सकता है। उसके बाद आप लोग को चलिए इसे नीचे भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा एक साइड भाग रहा है, तो इसको आप लोग को हथौड़ी से मार के इधर की ओर अपने की ओर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख लेना है कि सेटल से तो नहीं बच के जा रहा है सुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सेटल से सुई नहीं बज रहा है, एकदम बजता भी रहा है तो एकदम हल्का सा कॉमन रहना चाहिए, एकदम कॉमन समझिए नाक के बराबर, एक सूता का ये रहना चाहिए उसके बराबर रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सही है, नीचे का सबसे रास्ता तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं टूट रहा आपका चापा से या चांद प्लेट से ही सुई टूट रहा है। कुछ आप लोग इस तरीके से भी चला के देख ले कि कहूँ तो बज नहीं रहा है सुई, नहीं बज रहा है समझिए इधर क्लियर है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चापा से दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम क्लियर है। उसके बाद आप लोग को चांद प्लेट का पेच कस देना है, कसने के बाद आप लोग इसे चला के देख लेना कि सेट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सेट भी रहा होगा तो आप हथौड़ी से मार के कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से बीच बीच में नीडल रहना चाहिए। और उसके बाद चापा को सेट कर लेना है, चापा को सेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि चापा एकदम बीच बीच ही जा रहा है, बचांस आपका सट भी रहा है राइट या लेफ्ट, तो आप इसे ऊपर वाले नट को हल्का सा ढीला करके जिसे मैं देख सकते हैं इसे मिला लेना है जिधर जा रहा है, ये नट को ढीला करके आप लोग को मिला लेना है, जिधर भी करना है उधर करके आप लोग इस नट को पूरा फुल टाइट कर देना और आप लोग को सेटल भी देखना। मन में किसी भी तरह का आप लोग को कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसी कारण चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं।